अक्सर डर जाया करते हैं कि आपकी पत्नी ने 125 का मुकदमा कर दिया है, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, अब आप अपने एसेट्स को दाएं बाएं करना शुरू करते हो, अपने पैसों को इधर उधर करना शुरू करते हो, अपनी प्रॉपर्टीज को इधर उधर सेल करना शुरू करते हो। आप सभी अक्सर इस परेशानी से जूझा करते हैं कि कौन सा केस कितने दिनों के बाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आपकी पत्नियों के द्वारा किए गए केस की कॉपी आपके पास पहुंचती है तो सबसे पहले जो सवाल उमड़ता है कि अगर आपकी पत्नी ने 498A का केस किया है तो वो कितने दिनों के बाद नहीं किया जाना चाहिए, अगर DV का केस किया है तो वो कितने दिनों तक वो कर सकती है। इसी तरह से एक सवाल ये भी आपके पास आता है कि 125 यानी खर्चे का मुकदमा अगर आपकी पत्नी ने किया है तो वो कितने दिन के बाद नहीं कर सकती। जी हाँ, आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आप सभी इतने सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं वीडियोस के द्वारा या स्वयं पढ़ पढ़ करके, आप सभी को ये बात अच्छी तरह से मालूम हो चुकी है कि 498A का केस अगर 3 साल के बाद किया जाता है तो वो बहुत आसानी से खारिज किया जा सकता है। इसी तरह से DV का केस यानी घरेलू हिंसा का केस अगर आपकी पत्नी आप पर करना चाहती है तो उसकी मियाद होती है सिर्फ और सिर्फ 1 साल। 1 साल के बाद उसका जो मुकदमा है वो ढीला पड़ना यानी कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर खर्चे का केस कर रही है तो वो कितने दिन के अंदर अंदर करे, या इसको दूसरी तरफ से मैं कहूं कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपकी पत्नी ने इससे भी ज्यादा दिनों के बाद 125 का मुकदमा किया है तो आप इस आधार पर इस केस को खारिज करवा सकते हो। अब क्योंकि आपने सबसे पहले और सबसे ज्यादा ये चीज देखनी है कि आप अपनी पत्नी का केस किस समय पर खारिज करवा सकते हैं, यानी वो मियाद कितनी होनी चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी पत्नी नाराज हुई है, नाराज होकर के अपने मायके में चली गई है और उन्होंने 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद या 15 साल के बाद आपके ऊपर खर्चे का केस किया है, तो क्या वो ये केस कर सकती थी, और अगर नहीं कर सकती थी तो आप इसको कैसे झुठला पाओगे, कैसे उसके केस को डिसमिस करवा पाओगे। अब देखिए, आपकी पत्नी ने मान लेते हैं 5 साल के बाद, मतलब 5 साल से वो अपने मायके में रह रही हैं और अब उन्होंने खर्चे का केस आपके ऊपर दायर कर दिया है, एक नोटिस आपके पास पहुंचता है और आप कोर्ट में गए हैं। कोर्ट में जाने के बाद आपको ये बात पता है कि अब आपको उसकी काट यानी बचाव यानी उसके विरोध में आप क्या क्या कह सकते हैं कि कौन कौन से आपके पास आधार है जिन आधारों पर आप उसके केस को झूठा साबित कर सकते हैं, उसको आपको ढूंढना होगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब पिटीशन आपके पास आती है तो उसमें एक लाइन जो सबसे ज्यादा लिखी हुई होती है, जोर दी गई होती है, वो ये होता है कि वो कम पढ़ी लिखी हैं, या अगर वो पढ़ी लिखी भी तो हैं तो वो कमाती नहीं हैं और उनको अब अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और वो ये लिखा करती हैं कि वो 5 साल से आपसे, आप पति से अलग रह रही हैं और अब उनको आपसे खर्चा दिलवाया जाए क्योंकि वो अपना खर्चा वहन करने में अपने आप को अक्षम दिखा रही हैं कोर्ट के अंदर। तो जब आप कोर्ट में जाएंगे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी पत्नी ने ये कहा कि वो 5 साल से या 2 साल से वो अलग रह रही हैं अपने पति से यानी आपसे, और अब वो ये कहती हैं कि उनसे अपना गुजारा नहीं चल रहा, वो असक्षम है अपना गुजारा करने में, तो आप अब उनको गुजारा भत्ता दें। तो सबसे पहला सवाल, या यूं कहूं कि सबसे पहला जो ग्राउंड है, या यूं कहूं कि ऐसी वो बात जिससे कि आप जज साहब को कन्विंस कर सकते हैं, वो ये है कि आप इस बात को मजबूती से रखें कि जब वो आपसे अलग हुई थी उस बात को आज तक
5 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी उन्होंने लिखा है या जो वाकई में हुआ है कि वो इतने समय से अलग हैं, इतने समय तक उसका गुजारा कैसे चला? अगर वो वाकई में असक्षम थी, अपना गुजारा खुद नहीं चला पा रही थी, तो वो इतने समय तक किस चीज का इंतजार कर रही थी? उन्होंने क्यों इस बात का इंतजार किया कि कब आपकी तरफ से कोई लीगल नोटिस या आपकी तरफ से कोई केस की कॉपी जब उनके पास पहुंचेगी तो अचानक उनके नेत्र खुल जाएंगे और उनको नजर आने लगेगा कि उनसे गुजारा नहीं हो रहा। अरे बाबा, इस बात पर भी तो विचार करना जरूरी होगा। अगर वाकई में गुजारा नहीं चल रहा था तो पहले भी नहीं चल रहा था। उन्होंने 125 यानी कि खर्चे का मुकदमा पहले क्यों नहीं किया? उनका गुजारा चलना अचानक से उस समय क्यों बंद हुआ जब आपका कोई लीगल नोटिस उनके पास पहुंचता है या आपकी तरफ से किसी भी केस की कॉपी उनके पास पहुंचती है, तो तब अचानक से उनका गुजारा बंद कैसे हो जाता है, उनका गुजारा चलना मुश्किल कैसे हो जाता है? इस चीज को जैसे आप समझ रहे हैं, इसी बात को आपको कोर्ट में समझाना है स्वयं या वकील साहब के द्वारा, और इस चीज के लिए आपके पास प्रॉपर सबूत होने जरूरी होंगे। आपके पास वो कागजात होने चाहिए, आपके पास वो ईमेल्स होने चाहिए या वो एसएमएस होने चाहिए या और कोई चैट्स होने चाहिए जिसमें आप ये बात को साबित कर सके कि आप अपनी पत्नी से इतने समय से अलग रह रहे हैं। तो आज ये 125 का मुकदमा क्यों? आज से पहले उनका गुजारा भी तो चल रहा था, या यूं कहूं कि आज से पहले उनका गुजारा कैसे चल रहा था, आज अचानक से आपके सम्मंस पहुंचने, आपके द्वारा किए गए केस के सम्मंस पहुंचने के बाद ही उनका गुजारा चलना क्यों भारी हुआ है, क्यों मुश्किल हुआ है, इस बात को आपको कन्विंस करना होगा कोर्ट में जज साहब के सामने सबूतों के जरिए। और आप विश्वास मानिए कि अगर आपकी पत्नी 2 साल से ज्यादा का समय लेती है 125 यानी खर्चे का मुकदमा करने का, तो आप इसी आधार पर इस 125 के मुकदमे को बहुत आसानी से खत्म करवा सकते हैं जड़ से। लेकिन इसके लिए आपको मजबूत होना जरूरी है, आपको परेशान नहीं होना है, आपके पास सबूत होने चाहिए। इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप अपनी पत्नी को मना कर सकते हैं कि वो खर्चा नहीं देंगे। लेट सपोज आप अपनी पत्नी की जॉब की हुई बात को साबित कर देते हैं, आप कोर्ट में वो सबूत दिखा देते हैं कि वो जॉब कर रही हैं, तो आप खर्चा देने के अधिकारी नहीं बनते हैं, आपका कोई कर्तव्य नहीं है उसको खर्चा देने का। इसी तरह से आप उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में कोर्ट में बता देते हैं कि किस तरह से वो धन धान्य से परिपूर्ण है, उसके नाम पर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके नाम पर क्या क्या एसेट्स हैं, उनके कितने बैंक अकाउंट्स हैं और उनके पास कितना सारा पैसा है, यानी कि फाइनेंशियली वो बहुत ही साउंड हैं। तो अगर ऐसा है और आप ये चीजें दिखाते हैं कोर्ट में, तो यकीन मानिए आपको फिर पैसा नहीं देना खर्चे का। इसी तरह से अगर आप कोर्ट में इस बात को साबित कर देते हैं कि वो आपसे अलग होने के बाद किसी अन्य परपुरुष के साथ संबंधों में रह रही है, तो इस बिना पर भी आप उसको खर्चा देने से बच सकते हैं। इसी तरह से एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी कि वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, आप अगर इस बात के सबूत कोर्ट में दे देते हैं, जज साहब को कन्विंस कर देते हैं, तो यकीन मान तब भी आपको उसको कोई भी खर्चा नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप कोर्ट में जज साहब को कन्विंस कर देते हैं, दिखा देते हैं सबूत, और आप ये बता देते हैं कि आप और आपकी पत्नी म्यूचुअली एक दूसरे के साथ आपसी विश्वास से या यूं कहें कि आपसी एग्रीमेंट के जरिए आप लोग एक साथ नहीं रह रहे हैं, अलग हुए हैं, तो भी आपको खर्चा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खर्चा देना ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपकी पत्नी ने आपसे अलग होने के बाद बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी कर ली है, तो भी आप कोर्ट में जस आपको दिखा सकते हैं कि अब वो दूसरी शादी करके रह रही है, तो अब आप उसको खर्चा नहीं देंगे। इसी तरह से बहुत बार ये भी देखा गया है कि आप पति और पत्नी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लेते हो, यानी आपसी सहमति का तलाक ले लेते हो, उसके बावजूद भी आपकी पत्नी बाज नहीं आती आपको परेशान करने में, वो आपको 125 के मुकदमे की कॉपी भेज देती है। तो अगर आप कोर्ट में जज साहब को ये दिखा देते हैं कि आप म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लिए हुए हैं, तो भी आप यकीन मानिएगा 125 के खर्चे में आपका कोई भी पैसा उस पत्नी को देने के लिए एक जज के द्वारा नहीं बांधा जाएगा। इसी तरह से
अगर आप कोर्ट में जज साहब को ये कन्विंस कर देते हो, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के द्वारा ये दिखा देते हो या अपने और सबूतों के द्वारा आप ये चीजें बता देते हो, ये प्रूफ कर देते हो कि आपकी पत्नी ने आपको छोड़ा है बिना किसी सफिशिएंट कॉज और रीजन के, तो भी आप निश्चिंत रहें कोर्ट के द्वारा आपको आपकी पत्नी को पैसा देने की बात नहीं उठेगी, यानी कि आपको आपकी पत्नी को पैसा देने के लिए कोई ऑर्डर कोर्ट के द्वारा नहीं होगा। तो देखा आपने, आप अक्सर डर जाया करते हैं कि आपकी पत्नी ने 125 का मुकदमा कर दिया है, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, अब आप अपने एसेट्स को दाएं बाएं करना शुरू करते हो, अपने पैसों को इधर उधर करना शुरू करते हो, अपनी प्रॉपर्टीज को इधर उधर सेल करना शुरू करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपने, आपने सिर्फ ये देखना है कि उसने जो पटीशन है उस पटीशन में क्या क्या लिखा है और उसकी कार्ट में आपके पास क्या क्या है। आपको कुछ नहीं छुपाना है, आपने एक एक बात अपने वकील साहब को बतानी है। निश्चिंत रहें आप, आपके वकील साहब आपका बहुत सुंदर बहुत बढ़िया जवाब दावा ड्राफ्ट करके कोर्ट में जमा करेंगे और इसी के साथ साथ जज साहब को वो कन्विंस भी करेंगे अगर आपने सारी बातें अपने वकील साहब को बता दी हैं। और इसी तरह से अगर जज साहब कन्विंस हो जाते हैं तो आपको कहीं किसी को कोई पैसा नहीं देना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि ये आपकी पत्नियां ये जरूर कह देती हैं इतने समय से हम अपने पति से अलग हैं और हम अपना गुजारा नहीं कर पा रही हैं, तो हमें अपने पति से इतने पैसे दिलवाए जाएं। लेकिन अगर बहुत समय हो चुका है आप लोगों को अलग रहते हुए, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आप कोर्ट में जैसा आपको कन्विंस करें कि ये जो इतना गैप था इस दौरान में इन्होंने कोई भी गुजारे भत्ते का केस नहीं किया है और अब उन्होंने किया है, जब आपकी तरफ से कोई भी सुगबुगाहट हुई है चाहे वो लीगल नोटिस के जरिए या कोर्ट नोटिस के जरिए, तो यकीन मानिएगा कोई पैसा नहीं मिलेगा आपकी पत्नी को। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।